Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Notebooks और books checking के लिए submitted हैं, तो हम लोग आज appendix number 4 phrasal verbs को थोड़ा सा read out करेंगे. Phrasal verbs होते क्या हैं? Phrasal verbs basically एक verb होता है और verb के बाद एक preposition use होती है. For example, add is a verb and after that is a preposition in. लेकिन जो वर्ब और प्रपोजिशन इट्सेल्फ जिनका मीनिंग है, ऐड का एक अलग मीनिंग है, इन का एक अलग मीनिंग है, लेकिन जब ऐड इन इकट्ठा यूज़ होता है, यानी कि एक वर्ब और एक प्रपोजिशन मिला के एक फ्रेजल वर्ब बनता है, तो उसका मीनिंग बिल्कुल नया होता है. एक नया मीनिंग जो है क्रिएट होता है. और ये जो दो वर्ड्स मिला कर एक फ्रेजल वर्ब बनता है, उन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और नया मीनिंग क्रिएट होता है. आप लोगों के फ्रेजल वर्ब्स सारे दिए हुए हैं और उसके साथ आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं. कुछ फ्रेजल वर्ब्स, फॉर एग्जांपल, ऐड इन. ऐड का मतलब होता है जमा करना इन में. ऐड हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐड शुगर टू द मिल्क, इस तरह से. इन, प्लीज़ Place this book in the bag. यहाँ पर दोनों words का meaning अगर अलग-अलग देखें तो बिल्कुल different है, लेकिन as a phrasal verb जैसा कि ये use हो रहा है तो इसका meaning जो है बिल्कुल ही different है, यानी कि include. After that, add on. Include something extra. हर word, कोई भी आप देखो तो सब word जो है वो meanings different है. हर वर्ड का मीनिंग जो दो वर्ड को ऐड करके बनाया गया है, जो मीनिंग है उन दोनों ही वर्ड्स का अलग है. इसका अलग मीनिंग होगा, आउट का अलग, लेकिन जो मीनिंग क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये वर्ब और ये प्रपोजिशन मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं जिनका मीनिंग एक बिल्कुल ही नया डिफरेंट मीनिंग होता है. ऐसे फ्रेजल वर्ब्स डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं. फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड्स या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है, और ये हैं फ्रेजल वर्ब्स. यानी कि एक प्रपोजिशन, द प्रपोजिशन इज़ फॉलोड बाय, द वर्ब इज़ फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन के बाद सेंटेंस कंप्लीट होता है. प्रपोजिशन से पहले वर्ब आता है. आफ्टर वर्ब प्रपोजिशन इज़ प्लेस्ड बट द मीनिंग इज़ चेंज्ड. इसी तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज दी हुई है आप लोगों के फ्रेजल वर्ब्स की. 3 to 4 पेजेस ऑफ एक्सरसाइज है. आप क्लास 4th में, आप लोग 5th और 6th में भी सेम एक्सरसाइजेस ही हैं. 4th, 5th और 6th में सेम एक्सरसाइज आपके अपेंडिक्स 1, 2 और 3 की. आप लोग इसको थॉरली पढ़ें, इसके मीनिंग्स देखें, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, डिक्शनरी कंसल्ट करें, जो भी मीनिंग्स आपको नहीं समझ आते. इंशाल्लाह हम लोग इनको जब रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करना है इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. फ़िलहाल नोटबुक्स मेरे पास हैं, तो आप लोगों के लिए इतना ही लेसन होगा.